सभी दोस्तों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम बताएंगे सी टेट का फॉर्म मोबाइल से ही कैसे भरें या ऑनलाइन कैसे करें, लैपटॉप से हो चाहे मोबाइल से हो। तो आप सब देखो, ये मैप खोलेंगे, उसमें हमारे क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र पर हम सी टेट लिखेंगे, सी टेट और सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सी टेट की जो मेन साइट खुल के आएगी उस पर हम क्लिक करेंगे। देखते हैं साइट खुल रही है हमारी, तो धीरे से स्लो नेटवर्क कारण। आप सभी से मेरा ये भी अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सी टेट पर हम जाके क्लिक करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम नेशन सर्विसेज खुल के आएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से ऑनलाइन हम करेंगे। इस तरह से हमारी साइट ओपन होगी, जिसमें हमको जाना है स्टेप टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट फोटो। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक होने के बाद हमारा नोटिफिकेशन आएगा, उससे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें कैटेगरी जनरल के लिए 1000 रुपये फीस है ओनली, और एससी एसटी के लिए 500 रुपये है। आप नोटिफिकेशन पढ़ के ही तभी सब कुछ करें, ठीक है। हम आपसे राइट क्लिक इस पर एक टैप करेंगे, उसके बाद आगे गेट प्रोसेस करेंगे। हमारा फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें हमको भरना होगा कैंडिडेट नेम्स, हम डाल देंगे कोई सी। आगे आप जो इच्छा है, आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ मैं, एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी नाम हो तुम्हारा। उसके बाद मदर्स नेम भर देंगे, उसके आइडेंटिटी टाइप वोटर आईडी पासपोर्ट जो भी है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड, तो हम वोटर आईडी कर देंगे। वोटर आईडी भरने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पहचान में हम डाल रहे हैं। उसके वोटर आईडी नंबर डाल देंगे जो हमारा होगा, ठीक है। इसके बाद मेल फीमेल जो भी हो ट्रांसजेंडर उसका भरेंगे। इतना हमारा पर्सनल डिटेल भर गया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी जब भी हमारा जो भी एड्रेस है उसे भर देंगे, एड्रेस जितना भी हो, एड्रेस और लोकेज ऑप्शनल जो हमारा रहता है, कंट्री इंडिया भरेंगे। कंट्री के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद हमने देखो जीमेल आईडी डालना, पिन कोड डालना, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड होना चाहिए आपका नंबर ABCD में होने चाहिए, बड़ा ABCD होना चाहिए, छोटा भी ABCD होना चाहिए। उसके बाद नंबर @#, या जो भी है उसे डाल के प्लस माइनस आप लगा के अपना पासवर्ड बना सकते हैं। बस बड़ा से बड़ा 8 अंक का होना चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आएगा, जिसमें आप स्कूल नेम, क्लास, रियल विजिट, जो व्हीकल्स नंबर, बुक नंबर, फेवरेट बुक जो भी है आपको भर सकते हैं। हम देखो स्कूल भर रहा हूँ, ठीक है। इतना सब भरने के बाद हम
इसमें कैप्चर कोड डालेंगे जो हमारा नीचे दिया हुआ है एन एक्स। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सबमिट हमारा हो जाता है। सबमिट के बाद हमारा देखो इस तरह से एक रिव्यू पेज खुल के आएगा जिसमें आप फाइनल सबमिट करने के बाद कर सकते हैं, अगर एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। हम अपना सभी डाटा चेक कर लेंगे, उसके बाद आई एम एंग्री पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, चेकबॉक्स ऊपर भी चेकबॉक्स भरना है आपको, वेरीफाई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सभी को चेकबॉक्स करना है, मेल एड्रेस सभी चेक कर लिया हमने इसीलिए बोल रहा है वो ईमेल। सभी करने के बाद आप चेकबॉक्स पर भी क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट मार देंगे, यस कर देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो आपको देखो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, इसे हम नोट कर लेंगे और आगे फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, अब हमको पर्सनल डिटेल्स चेक भरनी है, अप्लाई फॉर्म भरना है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल भरनी है जो आपको स्टेप वाइज हम बताएंगे जल्दी से, देख सकते हैं आप। इसके अंदर नेशनल इंडिया भर देंगे, उसका कैटेगरी जो भी आपकी ओबीसी एससी जनरल एससी में, मैं आपको एससी भर के दिखा रहा हूँ ओ, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी आप हैं तो ठीक है, विकलांग सॉरी नो तो अच्छा है, मैं नो से भर रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने नो भर दिया। आप लैंग्वेज टाइप करेंगे, आप जो भी भाषा का उपयोग करना है, मैं हिंदी भर रहा हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश भरूँगा, इंग्लिश भर दिया, आपकी जो भाषा हो उसे भर सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देख सकते हैं क्या है, नो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप भर देंगे, क्या आप कार्य करते हैं पहले से, नहीं। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर्म, उसके बाद अगर दोनों बोथ में डालना है तो हम बोथ में दिखाएंगे आपको, जिसमें डालना है वो आप देख सकती हैं। इस तरह से बोथ सेलेक्ट हो गया, उसके बाद हम चॉइस सेंटर, सेंटर चॉइस करेंगे, पहला हम यूपी, उसके बाद देखेंगे स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। इस तरह से हम आगे जो चार चॉइस हैं वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर पेपर आपको देना है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण दिखाई नहीं दे रहा सही से। इसके बाद आप अगर बीटीसी किए हुए हैं तो डिप्लोमा एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, अगर डिग्री बीएड किए हुए तो आप डिप्लोमा डिग्री पर करेंगे। इस तरह से आप चॉइस करेंगे, जैसे पास किए हैं तो पास करेंगे, अपीयरिंग चल रही है, लास्ट सेमेस्टर है तो उसमें अपीयरिंग कर देंगे, नहीं तो पास है तो पास करेंगे, हमें पास पर अपीयरिंग दिखाएंगे आपको। तो आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन एलिबिलिटी एजुकेबिलिटी से कर देंगे। इसके बाद वोट, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्लो चलता है नेट। आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्राइमरी रिकमेंड करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग छमरा। उसके बाद आप रिजल्ट मोड पर क्लिक करेंगे, अभी चल रहा है, इसमें ईयर पास ईयर भरेंगे, उसके बाद परसेंटेज भर देंगे कि हमारा अभी फाइनल नहीं हुआ है इसलिए। अगर आपका फाइनल हो जाता है तो उसमें आप नंबर बनेंगे, उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा हमने एक चिया कॉप बॉक्स किया है, जो हमारा क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है, उसके बाद अपीयरिंग वो भर दिया है, ठीक है, अब हमने सबमिट कर दिया है, देखो अभी खुल रहा है, उसके बाद देखते हैं और सब कुछ भरने के बाद सबमिट है। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है।